गुड मॉर्निंग, इट्स मी प्रीति कौशिक। आज हम करेंगे सेवंथ पार्ट पोस्ट ऑडिट। पोस्ट ऑडिट का मीनिंग एंड डेफिनेशन, यानी पोस्ट ऑडिट सेवंथ पार्ट है। अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी का सेवंथ पार्ट पोस्ट ऑडिट है। पोस्ट ऑडिट का क्या मतलब होता है और उसका डेफिनेशन हम आज स्टडी करेंगे। यानी डेफिनेशन देखो, पोस्ट ऑडिट कैन बी डिफाइंड, पोस्ट ऑडिट को डिफाइन किया जा सकता है एज वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ पोस्ट अकाउंट्स एंड अडेरेंस टू पोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्लान्स एंड प्रोसेसेस। यानी पोस्ट ऑडिट को डिफाइन किया जा सकता है कैसे, एज वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के रूप में ऑफ द करेक्टनेस। करेक्टनेस किसकी, ऑफ पोस्ट अकाउंट्स की। देखो जो पोस्ट अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है, इस बात को वेरीफाई करने के लिए पोस्ट ऑडिट किया जाता है। पोस्ट ऑडिट कैन बी डिफाइंड एज वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ पोस्ट अकाउंट्स। पोस्ट अकाउंट्स की करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए पोस्ट ऑडिट किया जाता है। एंड अडेरेंस टू मतलब स्टिक टू यानी चिपके रहना, यानी उनको फॉलो करते रहना। किनको फॉलो करते रहना, पोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। जो पोस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके प्लान्स हैं पोस्ट अकाउंटिंग के, एंड जो प्रोसेसर्स हैं उनको फॉलो करते रहना और पोस्ट अकाउंट्स की एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए पोस्ट ऑडिट कराया जाता है। यह डेफिनेशन दी है इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो डेफिनेशन इसको लर्न करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। Post audit can be defined as verification of the correctness of post accounts and adherence to post principles, plans and processes. Okay? तो post audit जो होता है, देखो purchase of raw material से लेके last तक जितनी भी cost आएगी वो सारी देखी जाती है और उसको investigation करता है। कौन करता है? Auditor check करता है हर एक transaction पे, यानी कितनी cost आ रही है, standard cost के according cost लग रही है या नहीं लग रही, सारी चीज़ों को check करता है post auditor। जितने भी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, माइनिंग एंड अदर प्रेस्क्राइब्ड सर्विसेज, यानी इनसे रिलेटेड कोई भी अगर सर्विसेज है, जैसे प्रोसेसिंग है, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी बिजनेस के अंदर ये कंपलसरी है। यानी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 के अंदर ये कंपलसरी है कंपनीज एक्ट के अंदर कि इन सबको पोस्ट अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे और उन सेम को ऑडिट भी कराना पड़ेगा। पहले इनको पोस्ट अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग जो इंडस्ट्रीज है और बाय चांस और भी अदर जो प्रेस्क्राइब सर्विसेज हैं उनको पहले पोस्ट अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। मेंटेन करने के बाद उनको ऑडिट कराना पड़ेगा। ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 के अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर कह रखा है कि कंपनीज एक्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा, तुमने पोस्ट अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे एंड दैट उनको फिर ऑडिट कराना होगा। ठीक है, फिर कंप्लीट नॉलेज, यानी पोस्ट ऑडिट कराया जाता है कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए ऑल एक्सपेंसेस की, कॉजेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का क्या कारण आ रहा है पोस्ट ऑडिट कराने के बाद हमें पता चल जाएगा। देन उसके बाद न्यू स्टैंडर्ड कॉस्ट का पता चल जाएगा। यानी जैसे हमने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट का सेट किया कि अगर हम ये सामान परचेज कर रहे हैं मार्केट में और हमने अज्यूम किया, स्टैंडर्ड कॉस्ट लगा दी कि 10,000 में आ जाना चाहिए और फिर हम चेक कर रहे हैं कि वो 10,000 में आया या नहीं आया, स्टैंडर्ड कॉस्ट को मीट आउट कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। फिर हम लास्ट में डेविएशन भी फाइंड आउट करते हैं कि ज़्यादा कितना उनके अंदर डेविएशन आया, फिर उसको फाइंड आउट करता है तो ऑडिटर एक्चुअल पोजिशन को बताता है। मैम उसके बाद अगर हम बात करें रीजनेबल प्राइस, अब जो पोस्ट ऑडिटर होगा वो इसलिए अपॉइंट किया जाता है ताकि जो यानी कॉस्ट हमारी हमने लगाई, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने कोई सामान प्रिपेयर किया, मैन्युफैक्चर किया, देन उसके बाद हमें पता चला इतनी कॉस्ट लगी, फिर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तभी तो हमें पता चलेगा। यानी जितनी कॉस्ट आई उसमें प्लस प्रॉफिट ऐड करके ही हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं ना कि कितना हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो पोस्ट ऑडिटर हेल्प करता है कि तुम प्रॉफिट का मार्जिन ज़्यादा तो ऐड नहीं कर रहे, वो इस बात को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि कहीं ऑर्गेनाइजेशन वाले ज़्यादा बेनिफिट के चक्कर में प्रॉफिट ज़्यादा ऐड करके और सेलिंग प्राइस ज़्यादा रख रहे हो। तो इस तरीके से पोस्ट ऑडिटर हेल्प करता है रीजनेबल प्राइस को डिटरमाइन करने में भी। ओके, एवरी ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश करता है, या वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बिग ऑर्गेनाइजेशन है, कि देखो फर्स्ट पॉइंट इज टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ आउटपुट, कि कॉस्ट ऑफ आउटपुट जितने उसके आउटपुट पे कॉस्ट आने वाली है ना वो कम आए। ठीक है, और चीज़ जो अच्छी बन जाए लेकिन कम कॉस्ट में बन जाए
कॉस्ट ऑफ आउटपुट कम आए, ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश करता है। सेकंड थिंग इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर, प्लांट एक्सेट्रा, यानी अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाए मटेरियल का, लेबर का और प्लांट्स का, ठीक है, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाए, इस वजह से वो चाहता है कि कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाए और फिर वो सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, तो ये इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो जाएगा, प्लांट्स का है, लेबर का है, एक्सपेंसेस जितने भी आ रहे हैं, मशीनरी वगैरह का अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज फॉर कॉस्टिंग, अ डिटेल्ड प्लान इज प्रिपेयर्ड। जब हम कॉस्टिंग करते हैं तो पहले एक डिटेल्ड प्लान को प्रिपेयर कर लिया जाता है और फिर उसको एग्जीक्यूट कर किया जाता है प्रॉपरली, यानी सबसे पहले जहाँ पर भी हमें कॉस्ट लगाने होते हैं, कॉस्टिंग करने से पहले हम एक प्लान प्रिपेयर करते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितनी कॉस्ट लगनी है, कैसे कैसे हम लगाने वाले हैं, पहले प्लान प्रिपेयर करेंगे। अगर प्लान हमारा अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हम उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे बेनिफिट हो जाएगा, पोस्ट ऑडिटर इसमें भी हेल्प करेगा, इसलिए हम पोस्ट ऑडिट कराते हैं। नेक्स्ट इज कंपनीज एक्ट के अंदर क्या हुआ, 1965 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी, जो 1965 में चेंज हुआ कंपनीज एक्ट में, तो वहाँ पे सेक्शन 233B ऐड कर दिया गया, जिसके अंदर क्या था कि पोस्ट ऑडिट को एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दी गई, यानी वो बाय लॉ कंपल्सरी होगा, हो गया कि पोस्ट ऑडिट कराना जरूरी है, ठीक है, बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बोला है, यानी लॉ के थ्रू पोस्ट ऑडिट कराना जो है स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दी गई और पोस्ट ऑडिट कराना कंपल्सरी हो गया। ओके,